जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखने के क्लास सिक्स में यानी छठा क्लास है, जिसमें हम वोवेल यू का उच्चारण नियम सीखेंगे। यानी इंग्लिश वोवेल का ये लास्ट अक्षर वोवेल है यू, इसी का हम रूल आज के इस क्लास में सीखेंगे। और साथ में जितने भी हम वोवेल्स हैं उनका हम रूल बताए हुए हैं, उन सभी से बनने वाले इंग्लिश के वर्ड्स का हम यहाँ पे पढ़ने का प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में इसी क्लास में। तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पिछला वाला जो क्लास है यानी ए ई आई और ओ के जितने भी उच्चारण वाले वर्ड्स हैं उन सभी को हम इस क्लास में पढ़ने का हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे क्या आपको याद है या नहीं, या पिछला पूरा भूल गए हैं, यानी रिवीजन हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यू का अ यानी यू का अ उच्चारण। तो देखिए यहाँ पे रूल क्या है, यदि किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू रहता है तब यू का उच्चारण अ होता है। रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू रहता है तब इस यू का अ उच्चारण होता है। तो आइए यहां पे हम एग्जांपल में क्लियर करते हैं। एच यू टी, इसको क्या पढ़ेंगे, हट। देखिए एच यू टी, देखिए एच क्या है कॉन्सोनेंट है और टी भी क्या है कॉन्सोनेंट है, बीच में क्या आया है यू आया है, यू क्या है वोवेल है। ठीक, तो इस यू का अ उच्चारण करेंगे। ठीक, हट। ठीक, यहां पे देखिए एम यू डी मड, इसको मूड नहीं पढ़िएगा। ठीक है, एफ यू एन फन, तो चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। एस यू एन सन, आर यू एन रन, यू पी अप, देखिए यहाँ पे शुरू में है फिर भी इसका अ उच्चारण होगा। ठीक है, अप, सी यू पी कप, एन यू टी नट, जी यू एन गन। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप यू का अ उच्चारण वाले वर्ड्स को आप पढ़ना सीखिएगा। ठीक, रूल ध्यान रखिएगा, दो कंसोनेंट के बीच में यू आए तो यू का क्या होगा उच्चारण, अ होगा। ठीक, चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। इसके बाद देखिए यू का ओ उच्चारण। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल में इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेम है, इससे पहले हम लोग सीखे थे कि दो कंसोनेंट के बीच में यू आए तो इस यू का अ उच्चारण होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि अब यू रहे तो ऊ उच्चारण होगा। ठीक, आप इन सभी वर्ड्स को जो है ना याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में इसी तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी यू टी, इसको क्या पढ़ेंगे पुट, इसको पट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे पुट, इन चारों वर्ड्स को जो है ना आप रट कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, पी यू डबल एल पुल, पी यू एस एच पुश, पी यू डबल एस क्या पढ़ेंगे इसको पुश। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको जहां पे भी मिलेगा इस तरह का वर्ड ये चारों में से कोई भी तो यू का ओ उच्चारण करके आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। इसके बाद हम यू का यू या यो उच्चारण वाले वर्ड्स को हम पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में, ठीक है, डी यू टी वाई, इसको क्या पढ़ेंगे ड्यूटी। ठीक, डटी नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे ड्यूटी। ठीक, एस यू आर ई, इसको क्या पढ़ेंगे श्योर, श्योर पढ़ेंगे, सूर्य नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, श्योर। ठीक, पी U R E, इसको क्या पढ़ेंगे प्योर, क्या पढ़ेंगे प्योर। अब देखिए D U R A B L E, इसको क्या पढ़ेंगे ड्यूरेबल,
क्या पढ़ेंगे, ड्यूरेबल, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यू के उच्चारण नियम में बस इतना ही। जब हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे यानी कल जो हमारा क्लास होगा उसमें इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे हम, यानी कल से जो हमारा क्लास शुरू होगा उसमें हम इंग्लिश यानी छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स को जो है ना आपको पढ़ने का हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो उसमें जो है ना जो भी आपको यू से बने वर्ड्स मिलेंगे सारे के जो है ना हम पढ़ना आपको सिखा देंगे। तो चलिए अब हम इंग्लिश वोवेल्स के उच्चारण वाले वर्ड्स को हम यहाँ पे पढ़ने का हम प्रैक्टिस करते हैं। यानी अभी तक हमने जो है इंग्लिश का जितने भी वोवेल्स के उच्चारण नियम सीखे हैं उनसे बनने वाले जो भी वर्ड्स हैं उन सभी को इस टेबल में हम दिए हुए हैं, ठीक। इसको हम पढ़ना सीखेंगे और आपको जो है ना सभी रूल्स का हम रिवाइज यहाँ पे करा देंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। देखिए एफ आई डबल ए, तो क्या पढ़ेंगे इसको, फील। नियम क्या था कि दो कंसोनेंट के बीच में आई आए तो आई का ए उच्चारण होगा, ठीक है। फिल, बी ए टी, इसको क्या पढ़ेंगे, बैट। रूल, दो कंसोनेंट के बीच में ए आए तो ए का ए उच्चारण होगा, ठीक। एच ओ एम ई, होम, इसको होमे नहीं पढ़ेंगे। रूल क्या था, ए ओ के भी उच्चारण नियम में है और ई के उच्चारण नियम है, जिसमें ई का यहाँ पे उच्चारण नहीं हो रहा है, इससे पहले ओ आया है, ठीक, और लास्ट में ई आया है तो ई का उच्चारण नहीं होगा और ओ का ओ उच्चारण होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। एफ आई आर ई, इसको क्या पढ़ेंगे, फायर। देखिए आई के बाद लास्ट में आर ई रहे तो ध्यान रखिएगा आई का आए उच्चारण होता है, फायर। एन यू टी, इसको क्या पढ़ेंगे, नट, जो आज के इस क्लास में हमने सीखा है यू के उच्चारण वाले नियम में, ठीक। डब्ल्यू ए वाई, इसको क्या पढ़ेंगे, वे। एन ए एम ई, नेम। एस एच ए आर ई, शेयर। डी यू आर ए बी एल ई, ड्यूरेबल। जे ओ के ई, जोक। बी ए डबल एल, बॉल। एम डबल ई टी, मीट। बी आर ए आई एन, ब्रेन। एफ ए आर ई, फेयर। सी एल ई ए एन, क्लीन। एस टी ए वाई, एसटी। डब्ल्यू एच ई एन, वेन। एस टी ए एन डी, स्टैंड। डी यू टी वाई, ड्यूटी। एस एम ओ के ई, स्मोक। के आई एन डी, काइंड। एल ओ डब्ल्यू, लो। डी आर ओ पी, ड्रॉप। ए सी एच आई ई वी ई, अचीव। R I G H T, राइट। H I G H, हाई। T O Y, टॉय। B डबल O T, बूट। P U S H, पुश। S U N, सन। H O W, हाउ। C R O W, क्रो। S O F T, सॉफ्ट। F E W, फ्यू। R U L E, रूल। W I F E, वाइफ। L I G H T, लाइट। C U P, कप। एच ई, ही।
एच ई एम देम, एस एम ए डबल एल स्मॉल, जे ए आर जार, डब्ल्यू ई टी वेट, एफ ए डबल एल फॉल, एस एल डबल ई पी इसको क्या पढ़ेंगे स्लीप, एस ई ए सी एच ओ यू आर आवर, जी डबल ओ डी गुड, एस यू आर ई श्योर, टी यू बी ई ट्यूब, आर ई सी ई आई वी ई रिसीव, एफ आई एल ई फाइल, एस पी ओ टी स्पॉट, एफ यू एन फन। तो इस तरह से जो है आप सभी वोवेल से बनने वाले वर्ड्स का आप उच्चारण करके पढ़ना सीख सकते हैं। यदि आपको इसको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या करना, पांचों वोवेल्स का जो भी उच्चारण नियम है आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और उनसे बनने वाले वर्ड्स को भी, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसको हम एक बार डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिल, बैट, होम, फायर, नट, वे, नेम, शेयर, ड्यूरेबल, जोक, बॉल, मीट, ब्रेन, फेयर, क्लीन, स्टे, वेन, स्टैंड, ड्यूटी, स्मोक, काइंड, लो, ड्रॉप, अचीव, राइट, हाई, टॉय, बूट, पुश, सन, हाउ, क्रो, सॉफ्ट, फ्यू, रूल, वाइफ, लाइट, कप, ही, देम, स्मॉल, जार, वेट, हॉल, स्लीप, सी, आवर, गुड, श्योर, ट्यूब, रिसीव, फाइल, स्पॉट, फन। तो इस तरह से जो है आप इसको डायरेक्ट पढ़ना सीख सकते हैं। देखिए आप इसको क्या करना, एक बार खुद से आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके या अपने कॉपी में लिख करके इसको खुद से पढ़िएगा। अगर पूरा आप सही सही पढ़ देंगे तो मान लीजिए आपको सभी वोवेल्स के उच्चारण नियम याद है। अगर आपको गलत होगा पढ़ने में तो क्या करना, जितना भी आप वोवेल्स का उच्चारण नियम सीखे हैं ए ई आई ओ और यू का, उन सभी को फिर से एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको आगे इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कल से जो हमारा क्लास आएगा, यानी कल से जो क्लास हम कराएंगे उसमें जो है ना इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे, यानी छोटे छोटे वर्ड्स को जो है ना शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना हम सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज के इस क्लास को अपने कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। और ध्यान रहे, पिछला जो भी हम वोवेल्स के उच्चारण नियम सिखाए हैं, यानी पांच क्लास हो गया उच्चारण के ऊपर, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज के इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना सीखते रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में, यानी कल से जो हम इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे, यानी क्लास 7 में हम मिलते हैं।